हिंदी फिल्मों में एक बहुत ही प्यारा दिल को छूने वाला गाना हुआ है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं वट डू आई मीन हेलो वेलकम टू आर प्रोग्राम जर्नी एपिसोड थर्टी फोर जैसा मैंने इंट्रो में कहा जर्नी भी अजीब चीज़ है जो सफ़र होता है ज़िंदगी का उसमें क्या होगा आगे क्या नहीं होगा हमें नहीं मालूम होता हम चलते जाते हैं जिंदगी का सफ़र है कैसा ये सफ़र कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं ये गीत वैसे तो ज़रा गंभीर गीत था पर मैं इसको लाइटर वेन में ले रहा हूँ और याद कर पा रहा हूँ एक अपनी ही एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है फिल्म है अकेली इस फिल्म के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कही हैं तो इससे संबंधित कुछ बैकग्राउंड में क्या क्या था उसको रिकॉल करना चाहूँगा 1990 में मेरी एक फिल्म जो मैंने त्रिवेंद्र में बनाई थी जिसका टाइटल था सच वो रिलीज हुई फिल्म बहुत बोल्ड थी ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे थी मैन वूमेन रिलेशनशिप्स विद इन मैरिज एंड विदाउट मैरिज इस थीम पर थी और मेरी जो दो पहली फिल्में बहुत इनकी प्रशंसा हुई थी एक बार फिर और ये नजदीक उस कड़ी की तीसरी फिल्म थी ये इट्स पार्ट ऑफ माई ट्रिलिजी अबाउट मैन वूमेन रिलेशनशिप्स विद इन एंड विदाउट मैरिज इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थीम दैट आई हैड इन सच और फिल्म क्योंकि बहुत बोल्ड थी तो उसमें उस वक्त के हिसाब से बड़ी चैलेंजिंग इंटेंस सीन्स थे किसेस थे माउथ टू माउथ किसेस जो इंडियन सिनेमा में तब तक आए नहीं थे और कुछ इस वजह से भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई हो गई इस फिल्म की क्योंकि इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट का एक एडिटर का अखबार के एक एडिटर का रोल जिसके व्यस्क एडल्ट चिल्ड्रन हैं वो मैं ही अदा कर रहा था एक काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को फिल्म बहुत पसंद भी आई बहुत तारीफ हुई पर कुछ एक लोग शायद इसको कुछ अजीब तरह से पचा नहीं पाए और अजीब अजीब हादसे मेरे साथ हुए फिल्म रिलीज़ हुई शायद मार्च 1990 में और उसके एक दो महीने बाद ही कुछ बहुत अच्छे फ़ोन भी आते थे और एक दिन एक बड़ा अजीब ही अजूबा सा फ़ोन आया एक भारी सी आवाज़ में किसी साहब ने मुझे फ़ोन किया और एकदम तारीफ करने लगे बहुत तारीफ सर क्या फिल्म बनाई है ये वो कई सारी चीजें हैं अच्छी तरह से कहने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा पर अचानक उस शख्स के तेवर बदल गए और उसने उल्टे सीधे लेफ्ट राइट एंड सेंटर मुझे बुरी तरह से बहुत ही बड़े अब शब्दों में गाली देना शुरू कर दिया बहुत जोरों से मतलब उनको मैं बयान नहीं कर सकता मैं स्तब्ध हो गया समझ में नहीं आया क्या कहूँ फॉर सम टाइम बट देन आई हैव ए हैबिट ये मेरी नेचर है शायद कि मैं फिर झेल नहीं पाता तो मैं भी एक्ट करता हूँ फिर अपनी तरह से मैंने भी उन्हीं साहब के शब्दों में उन्हीं की तरह के शब्दों में कस के उनकी खबर लेनी शुरू की खूब अच्छी तरह से मैं भी बयान नहीं कर सकता और मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया शायद वो उनसे भी आगे की भाषा थी और वो अचानक रुक गए और फिर गायब हो गए पर इस घटना ने मुझे बहुत क्षौ पहुंचा दिया आई फेल्ट वेरी सैड क्योंकि ये अजीब चीज़ हुई मेरी फिल्म के साथ क्या मेरी फिल्म वाकई लोगों को एक तरह से स्लीज लगी कि वो इस तरह का रिएक्शन देने लगे काफ़ी लोगों ने इसको समझा था सच को कि वो शायद इतनी सा, साफ साफ सुथरी नहीं थी वैसे भावनाएं अच्छी थी तो मैं एक अजीब सी uh, स्थिति में था आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई फीट ऑल ओवर अगेन द लेजिटिमेसी ऑफ माई वर्क आई वॉज ट्राइंग टू रीड डिस्कवर इट एंड आई वॉज इन ए वेरी लोनली एंड लो स्टेट काम भी नहीं था मेरे पास ज़्यादा आई वॉज स्ट्रगलिंग वंस अगेन उम्र मेरी ऑलमोस्ट पचास हो चुकी थी तो मैंने तय किया किसी ना किसी तरह से करके मुझे एक फिल्म और बनानी है और वो बहुत ही चैलेंजिंगली साफ सुथरी फिल्म बनानी है सच वैसे तो फिल्म बहुत इंटेंस थी और जिन्हें वो समझ में आई उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की आज भी वो हमारे चैनल पर है यूट्यूब के चैनल पर और बहुत से लोग उसे बहुत ही अच्छी फिल्म मानते हैं मेरा खुद का मानना भी यही है पर क्योंकि ऐसे सीन्स थे सिर्फ माउथ टू तो माउथ किसी के ही सीन थे पर वो बड़ी फीलिंग के साथ थे तो मुझे एक अजीब सी श्रेणी में डाल दिया गया था जिससे मुझे फिर से निकलना ज़रूरी था रीडिस्कवर करना ज़रूरी था अपने आप को तो एक फिल्म एक ज़माने में मैंने लिखी थी एक टेली फिल्म के तौर पर जो दूरदर्शन ने कुछ प्रपोजल्स मांगे थे तो उनको एक दफ़ा मैंने दिया था पर वो फिल्म बनी नहीं उसका टाइटल पहले कुछ और था लेकिन मैंने उसकी रीस्क्रिप्टिंग की पूरी फिल्म की लेंथ की रीस्क्रिप्टिंग की और ये फिल्म बाद में जब बनी तो ये ढाई घंटे की फिल्म बनी और इसका टाइटल मैंने चेंज करके अकेली कर दिया इट वॉज अबाउट ए लोनली वूमन हु इज इन ए स्टेट ऑफ डीप डिस्ट्रेस शी इज लिविंग एज ए कैप्ट वूमन विद ए पॉलिटिशियन एंड पावरफुल मैन एंड शी इज इन ए वेरी लोनली स्टेट कोई सह, सहारा कहें किनारा कहें इमोशनल किनारा एंकरज वो नहीं है उसकी ज़िंदगी में ऐसे में एक शख्स उसकी ज़िंदगी में आता है और उसके साथ एक तरह की अजीब सी प्रक्रिया एक दौर शुरू हो जाता है टेलीफोन पर बात करने का वो अचानक हो जाता है और वो टेलीफोन पर ही एक ब्यूटिफुल रिश्ता रिलेशनशिप चलना शुरू हो जाती है फिल्म बहुत टेंडर थी बहुत मन से बनाई गई थी बहुत सेंसिटिव थी और क्लीन थी इस फिल्म में मेरे एक पुराने जो असिस्टेंट कैमरामैन थे उनको ये चार्ज दिया गया इसको फोटोग्राफी करने के लिए एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वो थे जो आज नहीं हैं सुधीर गावड़े इनफैक्ट ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये एक बार फिर मैं सुधीर गावड़े साहब के नाम समर्पित करूंगा। सुधीर गावड़े ने बहुत ही चैलेंज के साथ बहुत ही मन के साथ बहुत ही विश्वास और बहुत ही लगन के साथ इसमें काम किया इसमें हम अपने आप को कई चैलेंजेस दे रहे थे एक तो ये पूरी फिल्म हमने तय किया कि इसको हम इंडिविजुअल लेंसेज पर फिक्स लेंसेज पर शूट करेंगे जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल जूम को अवॉइड करेंगे फिक्स लेंसेज में एक खास खूबी होती है प्योर होते हैं वो लेंस तो हर बार लेंस बदलने पड़ते थे क्लोजअप्स के हिसाब से टाइम लगता था पर हमने ये किया इसमें थोड़ा धन ज्यादा लगता है क्योंकि लेंस हायर करने पड़ते हैं पर हमने किया हमने अपने आप से यह वायदा किया कि फिल्म की जो क्वालिटी है वो हम बिल्कुल अल, अलग तरह की रखेंगे गहरी रखेंगे टेक्निकल क्वालिटी दूसरा चैलेंज इसमें जो बाद में आया वो एडिटिंग के बारे में था क्योंकि हमने ये तय किया कि हमें क्योंकि पैसे जोड़ने हैं पैसे कम हैं हमारे पास तो हाथ खींच कर खर्च करना है तो हमने सोचना शुरू किया कहाँ कहाँ हम पैसे बचा सकते हैं तो हमने तय किया क्योंकि उन दिनों हम आ, सीरियल्स बना रहे थे तो हमने ये तय किया कि हम इसको जो ज़माने में टेप पर रिकॉर्डिंग होती थी न्यूमेटिक पर उस पर हम साउंड लेंगे और बाद में फिल्म में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि फिल्म में ट्रांसफ़र शुरू से ही होता अगर फिल्म जो नेगेटिव फिल्म होती है उस पर रिकॉर्ड होता तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा पड़ जाता तो हमने उस तरह से भी पैसे बचाने की सोची लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो वंस अगेन वही थी जो कि मेरी पहली फिल्मों में रहा नए एक्टर्स क्योंकि पैसे थे नहीं ज़्यादा तो मुझे इनवेरिएबली नए लोगों को लेना पड़ा एक जो एक्टर थे जो मेन एक्टर वो थे माधवन ये उनकी पहली फिल्म थी पहली हिंदी फिल्म बल्कि पहली फीचर फिल्म थी उससे पहले वो टेलीविजन काफ़ी कर चुके थे सीरियल्स वगैरह और नाम भी था उनका लेकिन फीचर फिल्म के तौर पर ये पहली फिल्म थी हालांकि रिलीज मणिरत्नम साहब की फिल्म हुई मेरी फिल्म से पहले और मेरी फिल्म आने से पहले वो काफ़ी बड़े स्टार हो गए आज तो माधवन बहुत ही बड़े स्टार हैं पर उस वक्त यह उनका उनके लिए पहला असाइनमेंट था फिल्म के तौर पर और बहुत ही इंटेंस असाइनमेंट था और जो हीरोइन थी वो बंगाल से आई थी नंदिनी घोषाल नंदनी की जो भाषा है वो बंगाली में तो बहुत ही मधुर है मुग्ध कर देने वाली है लेकिन लहजा हिंदी में नरम था तो उसका हमें डबिंग का सहारा लेना पड़ा उसके लिए उनमें एक ख़ास जो चीज़ थी जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो थी कि वो ओडिसी डांस की एक्सपोनेंट थी उनको ट्रेनिंग मिली थी गुरुजी केलुचंद्र महापात्रा के नीचे और वो उनकी बहुत अच्छी शिक्षा थी तो क्योंकि फिल्म में एक छोटा सा टुकड़ा इस डांस का आता है जब इनका एक टेलीफोन पर ही सही एक भावनात्मक ताल्लुक़ शुरू होता है तो एक गाने में वो किस तरह से डांस में यू नो शी ब्रेक्स इनटू अ डांस तो वो आपको वो टुकड़ा दिखाना चाहूँगा जिसकी संरचना खुद नंदनी घोषाल ने की फिल्म बन गई अब एडिटिंग की घड़ी आई एडिटिंग बहुत चैलेंजिंग थी जो कि मैं पहले कह चुका हूं तो एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया है बॉबी बोस जो मेरे एडिटर थे एक जमाने में ही वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद मी बट दे You know, moved into editing, and he became one of the most sensitive editors. I'm very proud about him. He did wonderful work. So, i tell you Hi, i film editor Bobby Bose. challenge before, because possible lives, because was very expensive. I comfortable the film was चिपकाओ आई वॉज नॉट वेरी रेडी तो मैं हाई बैंड पे एडिट करता था बहुत सारा कुछ विनोद जी के लिए किया था टेलीविजन पे काम तो इसलिए एक चैलेंज हो गई कि फिल्म को हाई बैंड पे एडिट करें हाई बैंड इज़ अ यूमेटिक फॉर्मेट 25 फ्रेम फॉर्मेट तो 25 फ्रेम पे ही टेली से करना पड़ेगा वरना वो डुप्लीकेट फ्रेम्स आ जाएंगे तो वो अवॉइड करना था फिर उसको लेके फिर हाई बैंड पे ट्रांसफर किए साउंड ट्वेंटी फोर था क्योंकि उस पुल पे रिकॉर्ड होता था तो उसको फिर उल्टा किया हमने उसको ट्वेंटी में करवा के लेके आए फिर मैच किया हाई बैंड पे फिर पूरी फिल्म हाई बैंड पे एडिट हुई एडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं पूरा कर लिया फिल्म विनोद जी से ओके करवा ली और फिर आया दूसरा पार्ट जब फिल्म को निकालना था बाहर हम लोग फिल्म थिएटर में गए वो हाई बैंड मशीन लेके तो वहाँ पे तो सारे नेगेटिव कटे उनको देख हंस रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है ऐसा तो कभी किसी ने किया नहीं प्रिसडेंस नहीं था इसका तो हमने फिर मैंने वहाँ पे उनके साथ करीबन ढाई महीना नॉर्मली नेगेटिव कटिंग टेक्स हार्डली 17 टू एटीन डेज फॉर अ थ्री आर मूवी सो वो लग गया ढाई तीन महीना बिकॉज हम एक एक रील को बहुत टाइम लग जाता था किसी तरह से हमने पहले फिल्म को काटे साउंड अलग चला साउंड बैंड्रा में हुआ उसको 24 फ्रेम में करा के लेके गए कुछ तरीका था उसका मैंने क्योंकि ट्वेंटी में था उसको 24 में करना था तो मैंने प्रोसेस किया जाके एवेट के ऊपर किया फिर उसको करा के वहाँ ले गए फिर उस पर साउंड का काम हुआ अलग से साउंड का काम हुआ फिल्म अलग से कटा एक सस्पेंस था फाइनली कि नेगेटिव सिंक में आएगी कि नहीं फिल्म सेंटर में काफ़ी नॉइज़ था कि शायद ये नेगेटिव ये सिंक में नहीं आएगी शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी मिस्टर बॉबी बोस ने गलती कर दिया ये जो भी है जिस दिन पहला रिल निकला बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी और लकीली फिल्म पूरी सिंक में आई और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ देखिए ये तो टेक्निकल पार्ट है लेकिन अकेली फिल्म जहाँ तक मैं एज एन एडिटर्स को देखता हूँ तो ये बहुत ही सेंसिटिव फिल्म भी है एडिट के तौर पे क्योंकि दो कैरेक्टर स्ट्रेंजर्स हैं फ़ोन पे बातें करते हैं उनके बीच में दुड़ियाँ हैंजिटेशंस हैं तो हेजिटेशन्स भी आने चाहिए फिर जब उनकी दोस्ती बढ़ती है तो उनकी हेजिटेशन कट जाती है तो वो भी आनी चाहिए और फिर द एंड ऑकवर्डनेस भी है वो भी आनी चाहिए इट्स अ ब्यूटिफुल सेंसिटिव फिल्म विनोद जी ने इस फिल्म में एज अ डायरेक्टर मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा काम किया जिन्होंने कि क्योंकि आसान नहीं था ये फिल्म को डायरेक्ट करना क्योंकि दो ही कैरेक्टर के बीच में पूरी फिल्म है और दोनों फ़ोन पे है तो इट कैन बी वेरी बोरिंग क्या आफ्टर टाइम टैक्सिंग हो सकता है बट उन्होंने एंगल्स को ऐसे ऐसे यूज़ किए विद मूड विद इमोशंस और ऐसे कट्स बनाए हैं फिल्म में जैसे मुझे याद आता है जो एक सीन है जहाँ पे माधवन उसने अविनाश का कैरेक्टर प्ले किया था उसको उसकी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं और वो नौकरी में उसको प्रमोशन मिलता है तो प्रमैनाट में एक शूट किया था विनोद जी ने जिसमें बिल्कुल लो एंगल उन्हें कैमरा लगाया और, और माधवन जो है वो उसके फिट पहले आते हैं पेडल्स के ऊपर पानी गिरता हुआ आप बिल्कुल स्लो मोशन पे उस शॉट शुरू होता है और उसमें बड़ा इमोशन सा बनता है क्योंकि म्यूजिकल म्यूजिकल सीक्वेंस है और उसके बाद वाइट शॉट पे जाते हैं हम तो पूरा माहौल देखते हैं यानी एक, एक क्लोज कट से स्टार्ट करके व्हाइट शॉट पर जाना एडिटिंग का पैटर्न बहुत बहुत ही अच्छा सेट हुआ विनोद जी खुद काफ़ी अच्छा एडिटिंग पैटर्न खुद बना लेते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर ही फिर उसको हमने एडिट पर फॉलो किया इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्क ऑल टुगेदर ये फिल्म अपने आप में देखने लायक भी है आप देख सकते हो अ ब्यूटीफुल आउटीफुल आई एम वेरी मैं तब भी बहुत प्राउड था आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इसके दो चैलेंजेस थे टेक्निकल चैलेंजेस थे और एक क्रिएटिव चैलेंजेस था दोनों को ही किसी हद तक हम लोग मीट कर पाए तो जब फिल्म बन गई अब सबसे पहली चैलेंजिंग चीज़ जो आती थी वो थी सेंसर बोर्ड बहुत दिन बाद हम सेंसर बोर्ड के पास जा रहे थे हम अपनी फिल्म लेकर गए और लिबर्टी सिनेमा है टाउन में उसके ऊपर चौथे माले में शायद आ, कमेटी रूम है जहाँ पर एक थिएटर है छोटा थिएटर जिसमें हमेशा सेंसर बोर्ड फिल्में देखते थे हम लोग बाहर बैठे हुए थे मैं और मेरे एक असिस्टेंट हम लोगों को इजाज़त नहीं होती कमेटी के साथ फिल्म देखने के लिए जब सेंसर बोर्ड की कमेटी देख रही होती है और पूरी कमेटी फिल्म को एक साथ देखती है बीच में ब्रेक नहीं लेती उनके लिए नाश्ता पानी अंदर ही भेजना पड़ता है जब फिल्म खत्म हो गई हम दिल पर हाथ रखकर स्तब्ध से बैठे थे क्या होगा इतने में जो मैनेजर थे थिएटर थे, के वो आए मेरे पास कि विनोद जी आपको अंदर बुलाया है यह भी पहली बार हो रहा था जिससे पहले कभी नहीं हुआ था मैं अंदर गया जो चेयरमैन थे कमेटी के और जो रीजनल ऑफिसर भी थी उन्होंने मुझसे कहा विनोद जी यू कैन सी हम पूरी कमेटी यही है एंटायर कमेटी to to मेरा और गया। उन्होंने कहा हम सब इसलिए रुके हुए हैं विनोद जी कि हम आपसे बहुत सेंसियरली ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डोंट कट इवन वन फ्रेम फ्रॉम दिस फिल्म ये फिल्म इतनी सेंसिटिव है कि वी आर इंसिस्टिंग डोंट कट इव वन फ्रेम, शो द फिल्म द वे इट इज मैं थोड़ा हतप्रभ हस्तप्रभ सा हो गया मैंने कहा थैंक यू सो मच मैंने तारीफ भी की पर मैं हसप्रभ इसलिए भी हो गया कि मेरी प्लान गड़बड़ आ गई मैंने सोचा था ये फिल्म कम से कम दूरदर्शन पर तो लग ही जाएगी वो भी अच्छे पैसे दे देते थे तो कुछ पैसा तो मेरा वहाँ से रिकवर हो जाएगा पर मुझे मालूम था कि दूरदर्शन सिर्फ यूनिवर्सल यू सर्टिफिकेट फिल्मों को लेता है तो मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मुझे यू सर्टिफिकेट चाहिए उन्होंने कहा देखिए विनोद जी उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते पर क्योंकि वो मामला टेक्निकल है वो आपको उनसे देखना पड़ेगा हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि अगर आप यू सर्टिफिकेट के लिए इंसिस करेंगे जोर देंगे तो हमें इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ काटना पड़ेगा जो कि इसकी थीम से ताल्लुक़ है इसलिए काटना पड़ेगा सीन्स ऐसे नहीं है पर थीम ऐसी है तो हमें मजबूरन काटना पड़ेगा और हम आपसे इंसिस कर रहे हैं हमें ये डर था कि आप जैसा आपने रिक्वेस्ट भी की कि आप यू सर्टिफिकेट मांगेंगे हम आपसे कह रहे हैं प्लीज डोंट बॉदा अबाउट इट जस्ट रिलीज इंड डोंट कट इव इन वन फ्रेम दिल को छू लिया इस बात ने मैंने कहा मुझे सोच लेने दीजिए अल्टीमेटली मैंने एडल्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया पर फिल्म को फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी रिलीज नहीं हो रही थी क्योंकि माधवन नए थे नए स्टार के साथ कोई फिल्म को छूने को तैयार नहीं था ऐसी स्थिति में एक दफ़ा मैंने मैम दोनों सहारा चैनल शुरू हो रहा था उसका उसको लॉन्च टीम में मैं लीडर था उसका अगर जी डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड चीफ कमिश्नरिंग एडिटर तो मैंने जो उसके मालिक हैं चैनल के सहारा ग्रुप के उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने फिल्म दिखाई वो इतने प्रभावित हो गए उन्होंने मेरा पूरा वज़न उठा लिया और बल्कि उन्होंने देखने के बाद मुझे फ़ोन किया कि जी अकेली छोड़ नहीं रही है वो उनको जरा एंड के बारे में ये था वो चाहते थे जरा हैप्पी एंडिंग हो तो बार बार कहने लगे कि एक छोटा सा ये कर दें लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जोर नहीं दिया और मेरी बात मान ली अब हम रिलीज की घड़ी पर आ गए हमने फिल्म आ, की एक प्रति एक कॉपी देखने के लिए टेप पर हमने आ, बंगाल में कलकत्ते में नंदन थिएटर के जो ऑर्गेनाइज़र थे श्री अंशू सुर मिस्टर अंशू सुर उनको भेजी उनको नंदनी घोषाल जानते थे वो कलकत्ते की ही थी तो उन्होंने कहा उन्हें भेज दीजिए अंशू सुर साहब ने फिल्म देखी क्योंकि नंदन आर्ट ग्रुप ऐसा है कि वो फिल्म देखने के बाद ही तय करता है लेनी है दिखानी है या नहीं उनके जो देखने वाले होते हैं बड़े ऊंचे नाम वाले लोग होते हैं बड़े बड़े मेकर्स होते हैं बड़े बड़े राइटर्स होते हैं बड़ बड़े बड़े यू नो कमेंटेटर्स होते हैं मीडिया पीपल होते हैं एक दिन अचानक फोन आया मेरे पास अंशु सर साहब लाइन पर आए और उन्होंने मुझे दादा दादा कहकर बात करनी शुरू की उन्हें शायद लगा होगा कि मैं बहुत सीनियर हूँ उनको दादा प्लीज़ ये फिल्म हमारी है देखिए समझिए ये फिल्म बंगाल की हमारी ये फिल्म आप हम जरूर चलाएंगे हम वैसे एक वीक के लिए लेते हैं किसी की फिल्म यह आर्ट हाउस है इसलिए गवर्नमेंट का थिएटर है इसलिए लेकिन आपको हम दो वीक देगा शुरू से ही बस आपसे एक रिक्वेस्ट है आप एक दफ़ा यहाँ आ जाइए और खुद आकर के प्रमोशन कीजिए बात कीजिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे आपके लिए और दो वीक के बाद हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स करेंगे ये मेरा वायदा है पर इतफाक अजीब तरह से फिर ये हुआ कि फिल्म रिलीज ना हो पाई इसको फिर एक ही जगह रह गई वो थी YouTube पर हमारा चैनल ये जो बात मुझे याद आई वो इतनी इंपॉर्टेंट है और इसलिए जरूरी है कि हम क्रिएटिव लोगों में बहुत से लोग एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं सूझता तो मैं जैसा मैंने हमेशा कहा है प्लीज फिक्र ना करें यू नेवर नो यू कीप ऑन ट्राइंग Do your best. Offer your best heart and mind to your project. Baby, there is a light at the end of the tunnel. ki Charni Itni. Thank you so much.